सूरजपुर गांव में रामलाल अपने बेटे और बहू के साथ रहता था। रामलाल धोती कुर्ता सिलने का काम करता था। अरे ओ चंदन, अब तो शादीशुदा हो गया है बेटा, सिलाई सीख ले। चंदन वैसे तो गांव में घूमता रहता था, लेकिन कभी कभी एक दो घंटे अपने पिता से धोती कुर्ता सिलना सीख लेता। कुछ दिनों बाद चंदन के पिता की मृत्यु हो जाती है। सिलाई का सारा काम चंदन ने संभालना शुरू कर दिया। कुछ सालों तक तो चंदन का काम ठीक चलता रहा, लेकिन फिर चंदन पूरे पूरे दिन खाली बैठा रहता। वो कुर्ता पहनना धीरे धीरे बहुत कम करते जा रहे थे। एक दिन चंदन अपनी पत्नी से कहता है, धंधा बिल्कुल नहीं चल रहा, लोग रेडीमेड कपड़े खरीद रहे हैं, कपड़े सिलवाने वाले बहुत कम बचे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। आप ये कपड़े सिलने का धंधा बंद करो, हमारी छोटी सी बगिया में कई तरह के पौधे हैं, आप छोटे छोटे पौधे ले जाकर बेचना शुरू करो। अरे पागल हो गई है, पेड़ पौधे कौन खरीदेगा। अरे आजकल सभी लोग अपने घर गमले रखना चाहते हैं, पौधों के साथ साथ हम मिट्टी के गमले बनाकर भी बेच सकते हैं, एक बार कोशिश करके देखने में हर्ज क्या है। वैसे भी इस काम के लिए कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट तो चाहिए नहीं। चंदन अपनी पत्नी के कहने पर गुलाब, गेंदा, तुलसी, अनार, मनी प्लांट, अमरूद आदि के छोटे छोटे पौधे बेचने निकल पड़ता है। अगले दिन चंदन गांव में पौधे बेचने जाता है। उस दिन चंदन की ज्यादा कमाई नहीं होती। मात्र 100 रुपए की कमाई हो पाई है आज। कोई बात नहीं, अब आप ऐसा करो कि शहर में पौधे बेचने जाओ। अगले दिन चंदन शहर में पौधे बेचने जाता है। शहर के लोग चंदन के हरे भरे पौधों को हाथों हाथ ले लेते हैं। चंदन की अच्छी कमाई हुई, वो बहुत खुश होकर घर लौटता है। लगता है आज अच्छी कमाई हुई है, तभी आप इतने खुश नजर आ रहे हैं। तुम्हारा आइडिया काम कर गया, शहर वाले लोग तो गमलों के दीवाने हैं, लगभग हर मकान में मैंने गमले रखे हुए देखे। शहर के लोग उल्लू होते हैं, पहले मकान बनवाकर सारे पेड़ पौधे काट डालते हैं, फिर अपने घर पर पौधे रखकर सोचते हैं कि हमारे घर हरियाली है। अब चंदन हर दिन अपनी पत्नी के लिए कुछ न कुछ लेकर आता, कभी सूट, कभी साड़ी, कभी कुंडल। एक दिन पड़ोस वाली गीता चंदन के घर आती है। अरे भाभी जी, थोड़ी चीनी दे देना, हमारे घर खत्म हो गई है, परसों लौटा देंगे। आप बैठिए, मैं अभी देती हूँ। चंदन की पत्नी चीनी लेने अंदर किचन में चली जाती है, तभी गीता की नजर चंदन की पत्नी की साड़ियों के कलेक्शन पर पड़ती है। हे भगवान, इतनी सारी सुंदर सुंदर साड़ियाँ। गीता चीनी लेकर बहुत गुस्से में अपने घर पहुंचती है और अपने पति रवि से कहती है, तुम भी चंदन भैया की तरह कोई अच्छा काम धंधा करो, नकारा निकम्मों की तरह पड़े रहते हो घर पर। ये चंदन पौधे बेचकर अमीर हुआ जा रहा है, जब मैं इतना आराम करता हूँ तो इसे इतनी मेहनत की क्या जरूरत है। रवि रात में एक छड़ी लेकर चंदन की बगिया में घुस जाता है और सारे पौधे उखाड़ डालता है। अगले दिन जब चंदन और उसकी पत्नी बगिया में आते हैं तो देखते हैं किसी ने सारे पेड़ पौधे उखाड़ दिए हैं। हे भगवान, ये किसने किया। चंदन और चंदन की पत्नी बगिया में बैठकर रोने लगते हैं। तभी वहां एक देवी प्रकट होती है। देवी चंदन को एक मनी प्लांट का पौधा देती है। ये साधारण मनी प्लांट नहीं है, इसके हर पत्ते के साथ एक 2000 का नोट निकलेगा। यदि इसे किसी ने चुराया तो उसके लिए परिणाम भयानक होंगे। ऐसा कहकर देवी गायब हो जाती है। देवी द्वारा दिए गए मनी प्लांट को चंदन अपने घर पर रख लेता है। मनी प्लांट से रोजाना एक पत्ता आता और पत्ते के साथ एक 2000 का नोट निकलता। एक महीने में चंदन के पास 60,000 रुपए इकट्ठे हो जाते हैं। उन पैसों से चंदन एक नई बगिया लगा लेता है और दोबारा पौधे बेचने का धंधा शुरू कर देता है। ये चंदन के पास इतने पैसे कहाँ से आए, इसने तो पहले से भी बढ़िया बगिया लगा ली। एक रात रवि चुपके से चंदन के घर में झांक कर देखता है। चंदन और उसकी पत्नी आपस में बातें कर रहे थे। अब ये मनी प्लांट रोजाना 2000 रुपए दे देती है, तो फिर आपको काम करने की क्या जरूरत।
देवी ने मनी प्लांट हमें इसलिए नहीं दी कि हम आलसी होकर बैठ जाएं और कोई काम धंधा ना करें। अच्छा, तो ये सब उस मनी प्लांट की वजह से हो रहा है। रात में जब चंदन और उसकी पत्नी सो जाते हैं तो रवि उनके घर में घुस जाता है और मनी प्लांट चुरा लेता है। वो मनी प्लांट को एक बक्से में बंद करके रख देता है। अब कल इसमें 2000 का नोट निकलेगा। रवि सुबह उठकर सबसे पहले बक्सा खोलता है। वो देखता है कि पूरा बक्सा सांपों से भरा हुआ है और मनी प्लांट से लगातार सांप निकल रहे हैं। सांप रवि के ऊपर चढ़ जाते हैं। हे भगवान, बचाओ बचाओ बचाओ, ऐसा कहकर रवि अपने घर में चारों ओर भागता है। रवि की पत्नी डंडों से सांपों को हटाती है और मनी प्लांट रवि को लाकर दे देती है। जल्दी जाइए और मनी प्लांट चंदन भैया को वापस कराइए। इस मनी प्लांट में जरूर कुछ गड़बड़ है। रवि तुरंत भागता हुआ चंदन के पास जाता है और चंदन के पैरों में गिर पड़ता है। मुझे माफ कर दो चंदन, मैंने तुम्हारी मनी प्लांट चुराई। चंदन जैसे ही अपने हाथों में मनी प्लांट लेता है, सभी सांप गायब हो जाते हैं। ऐसा तुमने क्यों किया रवि? मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है। अगर ऐसी बात है तो तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। मैं तुम्हें पौधे बेचने का काम सिखाऊंगा और कुछ पैसे तुम्हें उधार देकर तुम्हारी बगिया भी लगाऊंगा। अब चंदन और रवि साथ साथ पौधे बेचने का काम करने लगते हैं।